में भगवान राम के वंशज होने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जयपुर राजघराने की सदस्य रही दिया कुमारी ने अपने आप को कुश का वंशज बताया था। वहीं अब राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी राम के वंशज को लेकर बयान दिया है। उन्होंने खुद को कुश का वंशज बताया है। पूरी दुनिया जानती है कि हम कुशवा हैं, कछावा वंश के हैं। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे पुराने आप स्पीच उठाकर देख लो, तब मैंने कहा था, जब मैं सिविल लाइन से चुनाव लड़ रहा था आपकी बार, मेरे आप उठा के मेरे पेज पे जाइए देख, मैंने कहा था हम राम के वंशज हैं और राजा राम के वंशज हैं, राजा राम के सिद्धांतों को मानते हैं और इसमें कोई दोराय नहीं है। हम कुश की संतानें हैं। कुशवाहा जब पृथ्वीराज यहाँ आए तो उसके बाद शेखावत, नाथावत, खंगारोत, राजावत, ये हम सारे के सारे अलग अलग ये 12-13 भाई बिखर गए, अलग अलग, कोई शेखावा टीम चला गया, कोई उधर चला गया, ये सब कुश की संतानें हैं। उसके बाद पहले, उसके बाद जब ये संतानें आई तो दुले राय आए वहाँ से, नरवर से, एमपी से, और यहाँ आके जमवा रामगढ़ लिया पहले, और बाद में आमेर में पृथ्वीराज आया और यहाँ से ये शुरुआत हुई इस पूरे खानदान की। तो हम शेखावत, राजावत, हम सारे भाई हैं और ये हम कुश की संतानें, कछावात जितने भी हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, हम सब कुश की संतानें हैं और सूर्यवंशी हैं। और हम राजा राम के बारे में तो सबको इतिहास, राजा राम के वंशज आपको सब जगह मिल जाएंगे। तो इसलिए इस बात में सोचना, मैं खुद राजा राम की संतान हूँ, बाकी सारे लोग, हमारा परिवार सब राम की संतान है। ये कोई आज आपने पूछा तब नहीं, आप मेरे पुराने पेज पे जाओगे तो आप देख लोगे। और ये जो केसरिया जिसको लेकर राजनीति हो रही, केसरिया कोई किसी एक की निशानी नहीं है, ये धर्म की निशानी है, वीरता और शौर्य का प्रतीक है, धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। इसीलिए तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, सफ़ेद और हरा तीनों मिलकर बीच में चक्र दिया गया कि ये हिंदुस्तान की एक पहचान है। इसलिए इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है कि हम कुश की संतानें हैं और राजा राम के वंशज तो सब जगह मिलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तो ऐसे तो हम खाचरियावास ठिकाने में आपको पूरे के पूरे निकाल कर दे देंगे, हमारे गढ़ में मिल जाएंगे, आपको जयपुर ठिकाने में मिल जाएंगे, सब जगह सबकी वंशावलियां बनी हुई है। तो राजा राम की संतानें हम लोग, इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है।